यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 32। यशायाह अध्याय 32। देखो, एक राजा धर्म से राज्य करेगा और राजकुमार न्याय से हुकूमत करेंगे, और एक पुरुष मानो आंधी से छिपने का स्थान और बौछार से आड़ होगा। वह मानो निर्जल देश में जल की नालियां और मानो तप्त भूमि में बड़ी चट्टान की छाया होगा, और उस समय देखने वालों की आंखें धुंधली न होंगी और सुनने वालों के कान लगे रहेंगे, और उतावलों के मन ज्ञान की बातें समझेंगे, और तुतलाने वालों की जीभ फुर्ती से साफ बोलेगी, मूढ़ फिर उदारचित न कहलाएगा और न कंजूस दानी कहा जाएगा, क्योंकि मूढ़ तो मूर्ता ही की बातें बोलता और मन में अनर्थ ही की बातें गढ़ता रहता है कि वह बिन भक्ति के काम करे और यहोवा के विरुद्ध झूठ कहे और भूखे को भूखा ही रहने दे और प्यासे का जल रोक सके। कंजूस के उपाय बुरे होते हैं, वह दुष्ट युक्तियां करता है कि जब दरिद्र और नम्र लोग ठीक बोलते हो तब उनको झूठी बातों में फंसाए, परंतु उदार चित्त मनुष्य उदारता ही की युक्तियां निकालता है, वह तो उदारता के कामों में स्थिर रहेगा। हे सुखी स्त्रियों, उठकर मेरी सुनो, हे निश्चित स्त्रियों, मेरे वचन की ओर कान लगाओ, हे निश्चित स्त्रियों, वर्ष भर से अधिक समय में तुम विकल हो जाओगी, क्योंकि तोड़ने को दाख न होंगी और न किसी भांति के फल हाथ लगेंगे। हे सुखी स्त्रियों, थरथराओ, हे निश्चिंत स्त्रियों, विकल हो, अपने अपने वस्त्र उतारकर अपनी अपनी कमर में टाट कसो, हे मनभाव खेतों और फलवंत दाखलताओं के लिए छाती पीटेगी। मेरे लोगों के बरन प्रसन्न नगर के सब हर्ष भरे घरों में भी भांति भांति के कटीले पेड़ उपजेंगे, क्योंकि राजभवन त्यागा जाएगा, कोलाहल से भरा नगर सुनसान हो जाएगा, और पहाड़ी और पहरुओं का घर सदा के लिए मांदे और जंगली गधों का विहार स्थान और घरेलू पशुओं की चराई उस समय तक बना रहेगा जब तक आत्मा ऊपर से हम पर उंडेला न जाएगा, और जंगल फलदायक बारी न बने और फलदायक बारी फिर बन न गिनी जाए, तब उस जंगल में न्याय बसेगा और उस फलदायक बारी में धर्म रहेगा, और धर्म का फल शांति और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चिंतता रहना होगा, और मेरे लोग शांति से निश्चिंत रहने के स्थानों में और सुख और विश्राम के स्थानों में रहेंगे, परंतु वन के विनाश के समय ओले गिरेंगे और नगर पूरी रीति से चौपट हो जाएगा। क्या ही धन्य हो तुम लोग जो सब जलाशयों के पास बीज बोते और बैलों और गधों को चलाते हो।